फतेहाबाद में गणतंत्र दिवस को लेकर बड़ी खबर। फतेहाबाद में झंडा फहराने का कार्यक्रम हुआ तब्दील। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की जगह अब फतेहाबाद के डीसी फहराएंगे तिरंगा। किसानों के आंदोलन के चलते कार्यक्रम में तब्दीली की गई है। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम आयोजन को लेकर रिवाइज ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, ये बात डीसी की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि किसानों ने फतेहाबाद में अधिकारियों की मीटिंग में अपना दो टूक फैसला सुनाया था, जहां किसी नेता को झंडा नहीं फहराने देंगे, ये बात किसानों की तरफ से की गई थी। साथ ही फतेहाबाद में जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों ने भी बताया रोड मैप। इसमें गणतंत्र दिवस से संबंधित राष्ट्रीय पर्व की तैयारियां हमारे जिले में जोर शोरों से चल रही हैं, और इसके लिए मुख्य अतिथि के आज सरकार की तरफ से एक रिवाइज्ड आदेश अभी प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुछ जिलों के अंदर संबंधित उपायुक्त को ही ये जिम्मेवारी दी गई है, और उसमें हमारा जिला फतेहाबाद भी आता है। वो अब बदल गया है, पहले मंत्री महोदय का था, अब वो चेंज होकर और कुछ जिलों में काफ़ी चेंजेस आई हैं, जिसमें हमारा ज़िला भी है और यहाँ पर उपायुक्त ही अब ध्वजारोहण करेंगे। जी कल यहाँ पहले तो हम झंडा फहराएंगे डीसी ऑफिस की पूरी, उसके बाद यहाँ से चलेगा ट्रैक्टर और पैदल परेड, ट्रैक्टर परेड होगी, पैदल जत्था भी जाएगा। नहीं, वो सरकार इस मामले में देखो जी झूठी है और डरी हुई है, और किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन है ये, और इसको शाम दाम दंड भेद सारी अथरकंडे अपना के भी सरकार इसको फेल नहीं कर सकी, और ये शांतिपूर्वक चल रहा है, और इससे ये लगता है कि सरकार डरी हुई है।